आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए, और भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्यों की लोक सेवा आयोग के लिए तो ये रामबाण है। खासतौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए 4 से 5 प्रश्न सिर्फ इस एक टॉपिक बैंकिंग एवं मनी से आता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके जस्ट बाद मैं पढ़ाऊंगा जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से भी कम से कम एक प्रश्न फिक्स आता है। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है और जब आप इस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका 11 प्रश्न यूपीपीएससी में कन्फर्म सही होगा। कन्फर्म सही का मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा जब भी प्रश्न आपके सामने आएंगे ना तो कैसा भी प्रश्न आए आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है बैंकिंग एवं मनी, ठीक। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, और जितने बैंक के एग्जाम हैं हर बैंक के एग्जाम में तो ये कन्फर्म भर भर के आता ही है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, बेसिक से शुरू करूँगा और हर चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पढ़ाऊँगा। जैसे CAR कैश एडिक्विटी रेशियो क्या होता है, कितना होना चाहिए, CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जितने भी चीज़ हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो। अच्छा, एक और बात, ये सारी PDF आपको टॉपर्स कोड पे जाएगी और सारे टेस्ट आपको बेहतरीन टॉपर्स कोड पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बैंक से। बैंक का मेन काम क्या है, देखिए किसी भी बैंक, मान लीजिए ए एक बैंक, मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ समझा रहा हूँ आपको, एक बैंक है जिसका नाम है ए। किसी भी बैंक के दो मेन काम होते हैं, क्या, सबसे पहला एक तो लोन देना, सबसे मेन काम क्या है, लोन देना, और दूसरा अगर आपके पास डिपॉजिट है यानी कुछ आपके पास कैश है और आप घर में नहीं रखना चाहते तो जाके बैंक में जमा कर दीजिए। तो क्या कर दीजिए, जमा, दो चीज़ होती हैं यानी डिपॉजिट्स। तो किसी भी बैंक के दो काम हैं, पैसे लेना और पैसे देना, याद रखिएगा। किसी भी बैंक का मेन काम क्या है, पैसों को लेना, ठीक, और पैसों को देना। पैसे देने का मतलब लोन देने की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कोई भी बैंक हो वो काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है। तो मान लीजिए एक बैंक है जिसका नाम है ए, ठीक है ना। इस बैंक के पास 1,00,000 रुपये हैं, कितने लाख रुपये हैं, 1,00,000 रुपये हैं इस समय इस बैंक के पास, ठीक। अब मान लिया मेरा नाम मानस पांडे, मैं बैंक के पास जाता हूँ कि यार मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर बनवाना है या फिर मुझे बाइक लेनी है और मुझे 50,000 रुपये बैंक से उधार चाहिए, तो मैं बैंक के पास क्या जाऊंगा, उधार मांगने। बदले में अपनी कोई संपत्ति का कागज़ या कोई प्रूफ ऐसा दूंगा जिसके बदले में वो मुझे, ऐसे तो दे नहीं देगा, मुझे अपना कोई कागज़ दिखाना पड़ेगा जिसके आधार पर मैं इससे क्या ले सकता हूँ भाई, पैसा लोन पे ले सकता हूँ। अब मान लिया बैंक से मैंने 50,000 रुपये उधार लिए, तो बैंक ने कहा ठीक है 50,000 ले जाओ, बदले में तुम्हें 10% ब्याज चुकाना पड़ेगा। साल भर में आपको 50,000 का मुझे कितना चुकाना पड़ेगा, 10%, यानी 5,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा इसके बदले। तो टोटल बैंक को वापस मैं कितना दूंगा, 50,000 मैंने बैंक से लिया लोन, ठीक, और वापस चुकाते समय मैं बैंक को कितना चुकाऊंगा, 55,000 मुझे चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस लोन देने से बैंक का कितना रुपए का फायदा हुआ, 5,000 रुपये का फायदा हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल। अब मान लीजिए आप यानी जो इस वीडियो को देख रहा है वो भाई या वो दोस्त या वो बहन, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मान लीजिए उनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं मांग के लाया, आपके पास 50,000 रुपये पड़ा है, अब आप सोच रहे हो घर में रहेगा तो वो चोरी हो जाएगा, तो आप जाते हो इसी ए बैंक के पास और कहते हो यार मुझसे 50,000 रुपये मैं आपके पास जमा कर रहा हूँ, मुझे कितना रुपये मिलेगा। तो बैंक कहता है बिल्कुल मेरे पास लाओ, पैसा जमा कर दो। तो बैंक के पास आप जाते हैं, अपना 50,000 रुपये जमा कर देते हैं। याद रखिए मैंने बैंक से पैसा लिया तो बैंक ने मुझसे कितना परसेंट ब्याज लिया, 10%। अब आप अपना पैसा जा रहे हैं बैंक में जमा करने, तो बैंक कहती है भैया मैं तुम्हें 2% वार्षिक ब्याज दूंगा। तो 50,000 रुपये पे बैंक कितना परसेंट ब्याज देगी, 2%, यानी 1,000 रुपये बैंक आपको इस पे ब्याज देगी। तो अगर आप एक साल के लिए अपना पैसा जमा करते हैं तो वापस ले जाते समय आप कितना ले जाएंगे, 51,000 रुपये। अब यहाँ से बैंक का नुकसान कितने का हुआ, 1,000 का नुकसान हुआ, और यहाँ से बैंक का फायदा कितने का हुआ, 5,000 का। बैंक को कुल कितना फायदा हुआ, 4,000 रुपये का। इसी 4,000 रुपये ये बैंक का क्या है, प्रॉफिट है। यानी बैंक का मेन काम है लोगों को लोन देना, और अगर कोई जमा करता है बैंक में तो भाई इससे बैंक का फायदा क्या है ये बताइए, जमा करके बैंक को क्या मिलेगा, भैया बैंक आपके जमा पैसों को और लोगों को लोन देगी, ठीक है ना। मतलब बैंक का मेन काम है लोन देना जिससे उसको प्रॉफिट होती है। अब मान लिया आपका 50,000 रुपये बैंक के पास जमा हो गया, आपने एक साल के लिए जमा किया, कितने परसेंट ब्याज देगी, 2,000 रुपये, तो आपसे तो सिर्फ 1,000 दे रहा है ना आपको एक्स्ट्रा, और वो 50,000 को वो इसको दे दे, मतलब मुझे दे दे। तो ये बताइए अब बैंक का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, एक साल में बैंक को 4,000 का फायदा हुआ।
एक से ले रहा है दूसरे को दे दे रहा है। तो यही काम होता है किसी भी नॉर्मली बैंक का। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो किसी भी बैंक के दो पार्ट होते हैं। बैंक के कितने काम होते हैं? दो काम होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी और दूसरी होती है एसेट। ठीक, शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। या मैं एक और बात बता दूं, अब आप समझ गए होंगे, एक होती है एसेट यानी संपत्ति और दूसरा होता है लाइबिलिटी। अब मैं अपने पैसे ले जाऊं और बैंक के पास जमा कर दूं कि यार मेरे 50,000 रुपये रख लो, तो ये बैंक में मैंने बोझा डाल दिया ना, जब मुझे ज़रूरत होगी या जब इसका टाइम पूरा होगा तो मैं पैसे निकालूंगा। तो बैंक की ये क्या होती है? लाइबिलिटी यानी देनदारी यानी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, याद रखिए, जितने डिपॉजिट होते हैं बैंक में, जो भी पैसा आदमी जाके जमा करता है वो बैंक पे बोझा डालता है। बोझा का मतलब भाई बैंक को उसको वापस लौटाना पड़ेगा ना। तो एक चीज़ होती है लाइबिलिटी और एक चीज़ होती है एसेट। तो लाइबिलिटी का मतलब जितना भी बैंक में जमा होता है वो सब बैंक पे क्या होती है? लाइबिलिटी होती है यानी देनदारी होती है, बैंक को उसे वापस देना पड़ेगा टाइम आने पे। और दूसरा होता है एसेट, बैंक की संपत्ति क्या है। बैंक के पास जो पैसा है बैंक उठा के उसको दूसरे को लोन पे दे दे रहा है। जितना भी बैंक लोन देता है, जितना भी लोन ग्रांट करता है, वो सब बैंक का क्या है? एसेट है, संपत्ति है। भाई मान लीजिए मैं बैंक हूँ, आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ ठीक है 1,00,000 रुपये ले और 10% ब्याज लूँगा, तो बदले में 1,00,000 रुपये के बदले मुझे कितना फ़ायदा हुआ? 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो बताइए ये 1,00,000 रुपये मेरी क्या हुई? संपत्ति हुई। तो दो टाइप होता है किसी भी बैंक के, दो चीज़ होती हैं, एक तो बैंक की एसेट यानी जो पैसा बैंक दूसरे को लोन देगी वो बैंक का क्या होगा? एसेट होगा। तो सारे लोन जो ग्रांट होंगे वो सब एसेट होते हैं और जितना बैंक में डिपॉजिट होता है वो सब क्या होता है? देनदारियां यानी लाइबिलिटी होता है। अब मैं आपको दो चीज़ बता दूं, बैंक में दो तरीके से जमा किया जाता है। बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं, याद रखिए डिपॉजिट यानी जमादारियां, यानी लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। तो याद रखिए जब भी मैं बोलूं लाइबिलिटी तो आपके माइंड में क्लियर आ जाए क्या? डिपॉजिट, जितने भी डिपॉजिट हैं वो बैंक पे क्या है? लाइबिलिटी हैं। जितने डिपॉजिट यानी जितना हम बैंक में जमा करेंगे बैंक की लाइबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना हम बैंक से लोन देंगे बैंक की संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। भाई सॉरी, जितना हम बैंक से लोन लेंगे उतना बैंक की संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। तो एक एसेट और दूसरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने टाइप की होती हैं? लाइबिलिटी यानी डिपॉजिट्स, लाइबिलिटी को दूसरा क्या कह देंगे? डिपॉजिट। डिपॉजिट कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होता है, एक तो डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और इसको हिंदी में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हिंदी इंग्लिश में आप इंग्लिश के टर्म हिंदी में बना के लिख दीजिए, कोई गलत नहीं मानेगा। एक डिमांड डिपॉजिट होता है और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या? मैं ध्यान से देखिए, मैं अपने बैंक में जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने बैंक में जाता हूँ तो दो टाइप के खाते होते हैं, एक तो करंट खाता होता है और दूसरा सेविंग खाता होता है। दो खाते होते हैं ना, या तो मैं अपना पैसा करंट में जमा करूंगा या तो मैं अपना पैसा सेविंग में जमा करूंगा। और इसलिए जमा करूंगा ताकि जब जिस दिन मुझे डिमांड हो, जब जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़े यानी जिस दिन मुझे पैसों की डिमांड हो, मैं तुरंत जाके पैसा निकाल लूं। तो जितने भी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं उनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ऐसे जमा जिनको आदमी अपने डिमांड के हिसाब से तुरंत बैंक से निकाल भी ले। ठीक है ना, याद रखिएगा, बैंक में गए 50,000 रुपये मैंने जमा किया, अब मैंने 50,000 जमा किया, मैं जब जिस दिन चाहूँ जाके बैंक से निकाल लूँ। तो ऐसे जमा यानी चाहे करंट अकाउंट हो या करंट डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट होता है, मतलब सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट, ये दोनों के दोनों जितने भी खाते सेविंग और करंट डिपॉजिट होते हैं ये सारे क्या आते हैं? ये सारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं। और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। जैसे मैं जाऊँ बैंक में 5 साल की FD करा दूँ, कितने साल की FD? 5 साल की, 1,00,000 रुपये को मैं 5 साल के लिए फिक्स कराऊँ। ध्यान से देखिएगा, मैं जाता हूँ बैंक में और 1,00,000 रुपये क्या कर देता हूँ? फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ। तो 5 साल के लिए मैंने फिक्स कर दिया डिपॉजिट को, कितना डिपॉजिट? 1,00,000 रुपये। अब क्या है, 5 साल बाद 8% ब्याज मिलेगा या तो ये है, अगर मान लिया मुझे बीच में ज़रूरत पड़ी, फिक्स हो गया, याद रखिए जिसमें टाइम फिक्स हो जाए कि पैसे को किसी नियत समय के लिए जमा कर दूँ, अब क्या होगा, 5 साल से पहले मैं इसको जमा निकाल लूँगा तो मेरा क्या होगा? फ़ायदा कि नुकसान? नुकसान होगा। ठीक है ना, 5 साल के बाद निकालूंगा तो मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन 5 साल के पहले निकाल लिया तो मेरा नुकसान होगा। तो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो कितने टाइप की होती है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी यानी देनदारियाँ दो टाइप की होती हैं, पहला डिमांड डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जितना करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है वो आता है डिमांड डिपॉजिट में, और जितना टाइम डिपॉजिट है यानी जितने FD हैं, जितना आपने कोई NSC खरीद लिया बैंक से, कोई भी सर्टिफिकेट खरीद लिया पैसा देके, वो सब क्या है? एक टाइम, 5 साल का बॉन्ड खरीद लिया किसी बैंक से, अब वो बॉन्ड 5 साल में ही मेच्योर होगा, 5 साल से पहले आप उसको तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? घाटा होगा। तो ऐसे कुछ चलता है किसी भी बैंक का
कामकाज, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और लायबिलिटी और एसेट, और कोई भी बैंक कैसे काम करता है ये मैंने बता दिया। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो बैंक होता है ना, ये क्लास इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, पहली क्लास है। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। एक बैंक जो होता है, मान लीजिए बैंक के पास 1,00,000 रुपए है, ध्यान से सुनिएगा, बैंक के पास क्या है 1,00,000 रुपए। मैं जाता हूँ लोन मांगने, तो क्या बैंक पूरा 1,00,000 रुपए मुझे दे देगा? नहीं, बैंक कुछ अपना पैसा उस समय के लिए भी बचा के रखेगा। मान लीजिए देखिए, बैंक के पास 1,00,000 रुपए है, ठीक, और बैंक उठा के पूरा 1,00,000 रुपए मुझे लोन दे दे, और फिर इधर से एक आदमी आए कि यार जो मैंने पैसा जमा किया है वापस लेके मुझे जाना है, तो उस समय बैंक के पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए ताकि डिपॉजिट करने वाले लोग अपना पैसा निकाल सकें, है ना कि नहीं। तो उस समय के लिए किसी भी बैंक के पास कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो CRR और SLR, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो और SLR, ये तीनों चीज़ होता है बैंक के पास वो जमा पैसा जो कि बैंक तब रखता है कि कोई मांगने आ जाए इकट्ठा पैसा, कि किसी ने अपना 1 करोड़ जमा किया, एक करोड़ मांगने आ जाए, तो उस समय के लिए जो पैसा रिजर्व रखता है बैंक, या इन शॉर्ट कहा जाए तो ये बताइए, सारा पैसा तो लोन दे नहीं देता बैंक, बैंक कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखता है, ठीक है ना, ताकि जब किसी को ज़रूरत हो तो उस समय वो उसको निकाल सके। तो उसको, उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक CRR नाम बोलते हैं और दूसरा SLR। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाऊँगा कि कैश इक्विडिटी रेशियो क्या होता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी बैंक कितना पैसा दे सकता है। किसी भी बैंक के पास मान लीजिए 1,00,000 रुपए है बैंक के पास, तो वो कितना पैसा देगा लोगों को, ठीक है ना। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है CAR, कैश एडिक्विटी रेशियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, आशा है आपको पसंद आई होगी। टॉपर्स कोड पे जाके टेस्ट जरूर दीजिए इकोनॉमिक्स का, और PCS RO ARO BO के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट है वो। थैंक यू सो मच।